नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी से संबंधित चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी वैकेंसी के अलावा नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के आंसर्स कैसे दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उस घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है पीजीडीएवी कॉलेज ड्यू में। यहाँ पदों की संख्या 439 है। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 29 सितंबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों को संबंधित स्पेशलाइजेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी एमएस डीएनबी की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 50 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 35,000 से 40,540 रहेगा। आवेदन के लिए आप www.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ भी नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे में। यहाँ पदों की संख्या 32 है। पद का नाम है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 16 अक्टूबर 2019। आवेदक की आयु 18 से 25 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय बैचलर्स डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 18,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन के लिए आप www.cr.indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगली बड़ी वैकेंसी है माइल लिमिटेड में। यहाँ पदों की संख्या 41 है। पद का नाम है सुपरवाइजर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 अक्टूबर 2019। आवेदक की आयु 18 से 27 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है आवेदक को मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं पास किया होना चाहिए। मासिक आय 25,600 से 30,000 रुपये रहेगा। आवेदन के लिए आप www.moilltd.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि मिकॉन लिमिटेड ने भी वैकेंसी निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 10 है। पद का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2019। आवेदक की आयु 21 से 50 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए। पे स्केल 34,000 रुपये रहेगा। आवेदन के लिए आप www.mikon.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 351 है। पद का नाम है टेक्नीशियन। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 10 अक्टूबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास या समकक्ष प्लस ITI होना चाहिए। आवेदक की आयु 35 से 50 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार रहेगा। वेतनमान 55,000 से 60,540 रहेगा। आवेदन के लिए आप www.drdo.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगली वैकेंसी है PGCIL में। यहाँ पदों की संख्या 10 है। पद का नाम है अप्रेंटिस। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 26 अक्टूबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 17,500 रुपये रहेगा। योग्य उम्मीदवार www.careers.powergrid.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 40 है। पद का नाम है JE। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 1 अक्टूबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 28 से 40 होनी चाहिए। पे स्केल 40,000 से 62,400 रुपये रहेगा। आवेदन के लिए आप www.supva.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैनिक स्कूल गोलपारा में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 15 है। पद का नाम है जनरल एम्प्लॉय। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 17 अक्टूबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 30 से 50 होनी चाहिए। पे स्केल 10,000 से 25,000 रुपये रहेगा। आवेदन के लिए आप www.sainikrimik.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह नौकरी भी आपके लायक नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगली वैकेंसी है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। यहाँ पदों की संख्या 80 है, पद का नाम है नर्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 4 अक्टूबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को MBBS होना चाहिए। आवेदक की आयु 23 से 38 होनी चाहिए। पे स्केल 55,000 रुपये रहेगा। आवेदन के लिए आप www.tmc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप छावनी बोर्ड देवलाली ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 55 है, पद का नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 24 अक्टूबर 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट MSc होना चाहिए। आवेदक की आयु 25 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 31,000 रुपये रहेगा। आवेदन के लिए आप www.cbdevlali.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, तो ये थी 10 अलग अलग विभागों के सरकारी नौकरियों के वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट।